देखती हूँ आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेजबान कामरान शफीक और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मकसद है मेरा वो ये है कि यहाँ पे मैं आपको सोचा कि स्पेशल फालूदा खिलाऊं, लेकिन स्पेशल फालूदा के साथ यहाँ पे बड़ी मशहूर है कुल्की मटका। अभी कुल्की मटका क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? एक्चुअली ये कुल्की जो है इसमें आपको आइसक्रीम भी मिलती है, मटका भी मिलता है, स्क्वीज भी मिलता है, और यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है एक्चुअली सोडा वोडा के नाम से, कहाँ पे है ये मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि गर्मियों की आमद आमद है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियाँ तकरीबन आ ही गई हैं और फैब के बाद हमने सुना कि गर्मियों का भरपूर आगाज़ होने वाला है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग्स कुछ ऐसी मिली हैं। तो बहरहाल आप यहाँ पे आ सकते हैं रात को रिफ्रेशमेंट के तौर पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा एक बड़ी प्यारी चीज़ यहाँ पे है कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे माशाल्लाह हमारे सारे यंग टैलेंट हैं, यानी नौजवान नस्ल जिन्होंने पूरी बाग दौड़ संभाली हुई है इस मुल्क की, तो दुकान भी इन्होंने ही संभाली हुई है यार तो इतना तो बनता है। बाकी बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे यूथ जो है हमारी बहुत एक्टिव है। और यहाँ पे क्या मजे की चीज़ मिली है, क्या गोले घंटे की खासियत है, क्या स्पेशल गोला घंटा है, और उसके अलावा आप जो यहाँ पे कुल्की मटका है, ये कुल्की मटका क्या है या कुल्की मटका है क्या, प्राइस है इसके भी मैं आपको बताऊँगा, लोकेशन भी आपको ब्रीफ करूँगा। तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें मिली मैं आपको दिखाऊँ पहले, उसके बाद लोगों से बात कराऊँ। आइए व्यूअर्स, ये बन रहा है इस वक्त आपके सामने, मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये है कुल्की मटका। और आप ये देखें माशाल्लाह से एक बहुत यंग टैलेंट यहाँ मौजूद है, और टैलेंट हमेशा मैं प्रमोट ही करने की कोशिश करता हूँ। नाम क्या है आपका यार? मनाजिर अहसन। मनाजिर यहाँ पे मौजूद है हमारे सामने। मनाजिर आप क्या बना रहे हो इस वक्त? ये कुल्की मटका है, ये कुल्की मटका है, और क्या फ्लेवर वगैरह क्या है इसमें? इसमें लेमनेड है और एक ब्लूबेरी भी एक्स्ट्रा नया है। ब्लूबेरी भी एक्स्ट्रा है। व्यूअर्स ये बनना शुरू हो रहा है, चलें आप स्टार्ट लें और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं, हमें मनाजिर बताते रहेंगे इस हवाले से। तो आइस आ गई पहले, मिंट पेस्ट है। ये ठंडा होता है ये या क्या? नहीं, ये नॉर्मल होता है बस। अच्छा, ये मिंट पेस्ट आ गया। मिंट पेस्ट के बाद ये जिंजर है। जिंजर आ गया, और जिंजर ये वो मतलब जिसे कहते हैं अदरक का अदरक का पेस्ट हो गया। जायका कुछ अलग नहीं जाएगा? नहीं, अच्छा होगा। चलें ट्राई करेंगे। ये लेमन आ गया है इसमें। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरा कंप्लीट लेमन इसमें जा चुका है, जिंजर पेस्ट जा चुका है, मिंट पेस्ट जा चुका है, उसके बाद लेमन मजीद जा रहा है। ये मिर्ची भी ऐड हो रही है जी, ये कट लगता है तेज़ी देने के लिए। अच्छा, तो इससे मिर्ची वगैरह तो नहीं लगी? नहीं नहीं, अभी वो पीते में बंदा वो बोल रहा है पानी भी लेके डाल दिए तो होता है। वो लेमन सोडा डालना, आप देख रहे हैं कि लेमन सोडा डाल दिया। क्या डाला आप? ये जलजीरा मसाला है, ये हमारा स्पेशल मसाला होता है यहाँ का, अलग से बना। अच्छा, ये स्पेशल मसाला फिर से फुलअप कर दिया। ये वैसे नॉर्मली कितने गिलास होगा? दो गिलास? ये हाँ डेढ़ गिलास होता है। ये डेढ़ गिलास होता है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बर्फ़ कम रखी है मैंने वैसे। और ये तो हरी मिर्ची ऊपर तैर रही है, तो ऐसा तो नहीं है अंदर भी घुस जाए? और फिर वो कट के डलती है तो होते हैं। ये लुक्स के लिए एक्चुअली लगाया जा रहा है ऊपर लेमन। अच्छा ये बताइएगा, ये अभी बन चुका है ये जो कुल्की है, ये कुल्की है अभी कुल्की मटकी के नाम से? जी, कुल्की मटकी के नाम से। कुल्की मटकी के नाम से ये आ गई। इसके क्या, इसके रेट क्या चले, अमाउंट क्या है इसकी? ये 150 मटके में, और हम लार्ज ग्लास में भी देते हैं वो 120 के हिसाब से। वो 120 के हिसाब से। और ये आ गया स्पेशल फालूदा आपका? ये स्पेशल फालूदा है 200 वाला। 200 वाला स्पेशल फालूदा है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं स्पेशल फालूदा 200 वाला, जिसमें तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं आइसक्रीम से लेके पाइनएप्पल से लेके हर लवाजमात जो डाले जा सकते हैं डाल चुके हैं ऑलमोस्ट। और सर्दियों की क्योंकि आमद जो है वो जा चुकी है, अब गर्मियों की आमद जो है आ चुकी है, यानी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। बेहतरीन एक अगर डिज़र्ट्स के हवाले से मैं कहूँ तो ये आपको, आप यहाँ पे आइए, डिज़र्ट तो नहीं है, बेवरेज के हवाले से कहूँगा तो बहुत बेहतरीन जो इन्होंने ये सजाया हुआ है बनाया हुआ है। उसके अलावा आपने मदर से मुलाकात की, मदर क्या और होम डिलीवरी का मुझे बताइएगा कि क्या है लोकेशन आपकी, पहले वही बताइएगा कि लोकेशन कहाँ की है, लोग अगर आपको देखते हैं तो वो कहाँ पर आपके आएंगे, उसके बाद आप मुझे बता दें कि होम डिलीवरी अगर आप करते हैं तो कौन सा नंबर आपका होम डिलीवरी का, और किस टाइम से किस टाइम तक करते हैं? बफर जोन 15A 5 15A 1 में है। और नियर में अगर कोई लैंडमार्क बता सकें, जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहाँ से आएगा क्या देखेगा? अल्ताफ़ कबाब हाउस। अल्ताफ़ कबाब हाउस, ये यहीं पे इसी पट्टी में, यहाँ पे ये 40 ईयर्स हैं यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, कराची से यहाँ पे आते हैं जी। अच्छा, तो ये यानी बफर जोन का एरिया है जी, और ये ब्लॉक आर यहाँ पे लग रहा होता है, ऐसा ही है जी? ब्लॉक आर, यानी अगर कोई नागन से आ रहा है तो वो किस तरफ से आएगा?
तो अगर वो नागन से आएगा तो उसको लेफ्ट हैंड पे उल्टे हाथ पे दूसरा कट लेना होगा और अगर वो कोई आयशा मंजी या वाटर पम्प साइड से आ रहे तो आयशा अगर वो वाटर पम्प से आएगा तो वो आगे आगे पीपल सोरंगी से डीसी ऑफिस और डीसी ऑफिस से सीधा आगे। तो व्यूअर्स ये तो थी लोकेशन जो कि आपको बता दी गई है। आप ये बता दें कि होम डिलीवरी करवाते हैं आप? जी होम डिलीवरी भी होती है, शालीमार में भी है, बफर जोन में भी है, हर जगह पे हो रही है। हर जगह पे हो रही है। तो क्या है कितने पे यानी मतलब किस टाइम से किस टाइम तक जा रही है? ये शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक होती है। शाम 6 से रात 2 बजे तक हो रही है। और ये भी बताएं कि नंबर क्या है जिस पे होम डिलीवरी हो? नंबर 03118153121। व्यूअर्स आपने नंबर सुन लिया, होम डिलीवरी का नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। और मज़े की चीज़ यही थी जो मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पे माशाल्लाह सारे के सारे हमारे होनहार जितने भी स्टूडेंट हैं, वैसे आप स्टडी कर रहे हैं? नाइन्थ क्लास में स्टडी कर रहे हैं यार, तो कैसे मैनेज करते हो फिर? अभी मैं हो जाती है मैनेज, सुबह होता है पढ़ाई के वक्त, रात में यहाँ पे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कोई टीचर वीचर बोलती हो हमें भी लेके आ जाओ हमारे? नहीं, कोई दोस्त वोस्त हो? हाँ दोस्त आते हैं। दोस्त आते हैं आती हैं? नहीं आते हैं। सर ये बताएं कि आपने क्या यहाँ पे यूज़ किया, यानी कौन सी ड्रिंक वगैरह यूज़ किया? यार मैंने जो है ये लीची के फ्लेवर यूज़ किया, ये बड़ा अच्छा है और बहुत शानदार है और अच्छा है, मुझे पी के बड़ा काफ़ी अच्छा लगा। और इससे पहले हम ये आते भी रहे 2-3 दफ़ा, ये हमारा 4th विज़िट है, लेकिन हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी और माशाल्लाह बहुत अच्छी ये इन्होंने चीज़ निकाली है थोड़े वोटो के नाम से। ये वाकई में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जायका अच्छा लगा आपको? बहुत बेहतरीन। कौन सा फ्लेवर यूज़ किया? मैंने ये लीची का फ्लेवर यूज़ किया। लीची यूज़ किया है तो लीची वैसे अच्छा होता होगा, मतलब आपको पसंद आया? नॉर्मली यहाँ पे आते रहते? हाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ। आपने गोला गंडा ट्राई किया, बड़ा मशहूर है, स्पेशल गोला गंडा? यार अभी तक ट्राई नहीं किया, अभी इन्होंने शायद नया इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। मुझे ये बताएं आपने क्या यूज़ किया, कौन सा ड्रिंक आपने यूज़ किया? जिंजर लेमन। कैसा लगा आपको जायका? बहुत अच्छा है, हम लोग तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं और आज मैंने जिंजर लेमन मतलब टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है इसका फ्लेवर भी। इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ फ्लेवर इनके टेस्ट कर चुकी हूँ, अच्छा लगा काफ़ी। और अच्छा इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और माशाल्लाह यहाँ के जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं वर्कर, और बहुत ज़बरदस्त मतलब इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। ये चीज़ बड़ी प्यारी है कि मतलब लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, वो काम करे। हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि देखें आजकल हम सिर्फ ये सोचें कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें या बड़ी पोस्टों पे ले जाके बिठा दें, उससे बेहतर है कि हम अगर इस तरह के कामों में भी अपने बच्चों को आगे लेकर आए तो हमारी नौजवान नस्ल बजाय इसके कि बाहर बैठ के गलत किसी काम में और गलत लोगों के सरबराही में पहुँच जाएँ या कहीं गलत रास्ते पर चलने लगें, उससे बेहतर है कि ये काम ऐसा है इन बच्चों ने शुरू किया हुआ है। और हम तो मतलब और भी पहले यहाँ पे बच्चे थे उनको भी जानते हैं, तो मतलब बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं और बड़ी अच्छी सलाम दुआ के साथ यहाँ पर हम अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चले जाते हैं। वाकई में व्यूअर्स ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमें अपने जो यंग टैलेंट हैं अगर वो इस तरह के काम करते हैं तो उनको प्रमोट तो बनता है यार, आप प्रमोट लाजमी करें, उनको अप्रिशिएट तो बनता ही है, उनका प्रमोट भी उनका बनता है कि हम उनको प्रमोट कर सकें, दिखाएं कि जो यूथ है वो हमारी वो हर काम में आगे आगे कहीं पे पीछे नहीं है। और उम्मीद है कि एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसी के साथ एज यूजुअल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पर टिंग टोंग कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। और उसके बाद वही वर्ड्स जो मैं आपसे कहूँगा कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।